दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो फ्लैम्बोयंट हो। जब आप मतलब बताओगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज अंकित फ्रॉम इप्सी स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ फ्लैम्बोयंट। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्लैम्बोयंट हमारा एक एडजेक्टिव है और इसके एक नहीं एक से ज़्यादा यूजेस है, और जितने भी यूजेस है उसको बताने के लिए गाइस व्हाइट बोर्ड पर चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो जो गाइस हमारा फ्लैम्बोयंट का फर्स्ट मीनिंग है वो है वेरी कॉन्फिडेंट एंड लाइकिंग टू बी नोटिस्ड। जो इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसको बहुत ज़्यादा लोग अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको नोटिस करते हैं, उन लोगों के लिए गाइस हम लोग फ्लैम्बोयंट यूज़ करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि आप फ्लैम्बोयंट हो या नहीं। तो चलिए गाइस अब हम जानेंगे कि फ्लैम्बोयंट को हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे कैसे फिट करना है। तो जो आप लोग के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फ्लैम्बोयंट फादर, यानी वह बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है अपने फ्लैम्बोयंट फादर से। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फ्लैम्बोयंट को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो गाइस अब हम चलेंगे इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो जो इसका सेकंड एग्जांपल है वो है शी इज नोन फॉर हर फ्लैम्बोयंट इमेज, यानी कि वह जानी जाती है अपनी फ्लैम्बोयंट इमेज के लिए। यानी गाइस उसकी जो इमेज है वो फ्लैम्बोयंट है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और लोग उसको नोटिस करते हैं और इस इमेज के लिए वह जानी जाती है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फ्लैम्बोयंट को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं फ्लैम्बोयंट के दूसरे मतलब को जानने। तो जो इसका सेकंड मीनिंग है वो है ब्राइटली कलर्ड एंड इजली नोटिस, जो गाइस थोड़ा चमकदार है और इसके साथ जिसको आसानी से नोटिस किया जा सके, तो उन चीज़ों के लिए हम लोग फ्लैम्बोयंट का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। तो जो आप लोग के पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है देयर शोज आर ऑलवेज इनक्रेडिबली फ्लैम्बोयंट, यानी उनके शोज हमेशा फ्लैम्बोयंट होते हैं, इनक्रेडिबली फ्लैम्बोयंट होते हैं, मतलब अविश्वसनीय फ्लैम्बोयंट होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जिसको गाइस इजली से हम लोग नोटिस कर सके और इसके साथ बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फ्लैम्बोयंट को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब चलेंगे हम अपने इसके सेकेंड सेंटेंस की तरफ। तो जो इसका सेकेंड सेंटेंस है वो है टीम्स ऑफन ड्रेस अप इन फ्लैम्बोयंट कॉस्ट्यूम्स फॉर कॉम्पिटिशन, टीम्स अक्सर ऐसी वेशभूषा पहनते हैं कॉम्पिटिशन के लिए जो गाइस फ्लैम्बोयंट होती है, मतलब ऐसे गाइस वो वेशभूषा पहनते हैं जो फ्लैम्बोयंट होते हैं, फ्लैम्बोयंट मतलब जो बहुत चमकदार होती है और इसके साथ साथ ही गाइस वो बहुत ज़्यादा नोटिस की जा सकती है, मतलब लोग उस ड्रेस को अच्छी से नोटिस कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फ्लैम्बोयंट को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्लैम्बोयंट का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अगर गाइस अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हम लोगों को इंस्टाग्राम ट्विटर और साथ ही साथ फेसबुक यानी हर जगह फॉलो कीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।